हे नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आर्यवर्धन। बहुत स्वागत है आपका एक और न्यू अनहेल्पफुल वीडियो में। तो वीडियो में ऐसे यहाँ पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है वीडियो को शेयर कीजिए क्योंकि शेयर जो मेरे चैनल को सपोर्ट करें। तो अगर यहाँ पे नए हो तो यहाँ पे एक सीरीज चल रही है हैशटैग स्केट रॉक के नेम से। इसमें ऐसा जो है मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे हैशटैग स्केट रॉक करके, मैं उसके ऊपर डायरेक्टली वीडियो बनाऊंगा और अपलोड कर दूंगा। तो जो वीडियो बन रही है हमारे सॉन्ग से एडी की रिक्वेस्ट पर। क्वेश्चन था जो इनलाइन स्केट है हमें डेडिकेटिव ब्रेक होती है, उसे कैसे यूज कर सकते हैं ब्रेक अप्लाई करने के लिए। ना कहीं देखा जाए डेडिकेटिव ब्रेक को भी यूज करना हमें आना चाहिए, स्पेशली जब बिगनर हो या फिर जब आपको पावर स्टॉप और टी स्टॉप पर ज्यादा कॉन्फिडेंस ना हो। तो इस वीडियो बात करने वाला कैसे कर सकते हैं अपने इनलाइन स्केट की डेडिकेटिव ब्रेक को यूज ताकि बहुत ही इजिली ब्रेक अप्लाई कर पाए। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स स्केट नाउ। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हमें कहीं ना कहीं डेडिकेटिव ब्रेक को भी यूज़ करना आना चाहिए, स्पेशली जब वो बिगनर हो या फिर जब आपको टी स्टॉप और पावर स्टॉप पर ज़्यादा कॉन्फिडेंस ना हो। तो इसकी प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे हम नॉर्मल हाफ बैंड पोजीशन से। नॉर्मली हमारे राइट स्केट में ब्रेक होती है, तो आपको नॉर्मल हाफ बैंड पोजीशन में ही आपको अपने राइट स्केट को हल्का सा ऊपर लिफ्ट करना है, लाइक जैसे अगर आप ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं, एंड उसी के साथ आपको अपने बॉडी वेट को लेफ्ट लेग में ट्रांसफ़र करना है। जैसे मैं आपको करके दिखा रहा हूँ सेम आपको ऐसे फॉलो करना है, लाइक आपको अपने पहले राइट लेग को जैसे आप ब्रेक लगाएंगे वैसे आपको लिफ्ट करना है ऊपर की साइड, एंड आपका बॉडी वेट है उसे लेफ्ट लेग में ट्रांसफ़र करना है। तो आपको सेम यही फॉलो करना है, लाइक आपको अपने राइट लेग को लिफ्ट करना है ऊपर की साइड जैसे आप ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं, एंड आपको अपने बॉडी वेट को लेफ्ट लेग में ट्रांसफ़र करना है। ऐसे आपको सेम फॉलो करते रहना तो वैसे कंफर्टेबल ना हो जाए, बिकॉज यही मेन थिंग है जो आपको हेल्प करेगी डेडिकेटेड ब्रेक अप्लाई करने में। एंड देन जो हम नॉर्मल स्टे पोजिशन में प्रैक्टिस कर रहे थे वही आपको इनलाइन स्केटिंग करते हुए प्रैक्टिस करना है। लाइक आपको छोटा सा रनअप लेना है, आपको इनलाइन स्केट्स पे अपने राइट लेग को लिफ्ट करना है ऊपर की साइड ब्रेक अप्लाई करते हुए, एंड उसी के साथ आपको अपना बॉडी वेट लेफ्ट लेग में ट्रांसफ़र करना है। सेम आपको ऐसे फॉलो करते रहना जब तक आप इसे कम्फर्टेबल ना हो जाए। एंड जैसे जैसे आप इस साथ कंफर्टेबल हो जाएंगे देन आपको अपनी स्पीड एंड डिस्टेंस दोनों इंक्रीज करनी है ताकि आप डेडिकेटेड ब्रेक अप्लाई करने में और ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाएं। अगर मैं आपको दूसरे एंगल से दिखाऊं तो आपको कुछ इस तरीके से प्रैक्टिस करना है इसे। जब आप डेडिकेटेड ब्रेक अप्लाई करने में कॉन्फिडेंट हो जाएंगे देन आप अपने तरफ से भी न्यू वेज डेवलप कर सकते हैं, लाइक जैसे मैं 180 डिग्री जंप मार के ब्रेक अप्लाई कर रहा हूँ या फिर मैं आपको बैकवर्ड करते हुए मैं ब्रेक अप्लाई कर रहा हूँ, तो वो देखने में बहुत ही यूनिक एंड कूल लुक देता है। लाइक यहाँ पर मैंने जैसे नॉर्मल 180 डिग्री जंप लेके ब्रेक अप्लाई की, तो ऐसे आप बहुत अपने तरफ से भी बहुत ही न्यू वेज डेवलप कर सकते हैं बहुत ही यूनिक ब्रेक अप्लाई करने के लिए। एंड जब आप डेडिकेटेड ब्रेक अप्लाई करने में कॉन्फिडेंट हो जाएंगे देन आप टी स्टॉप अप्लाई करना भी सीख सकते हैं, एंड उसके ऊपर मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, आपको आई बटन मिल जाएगी। मैंने बहुत ही ईजी तरीका बताया है जिससे आपसे आप बहुत ही ईजीली टी स्टॉप अप्लाई कर सकते हैं। तो आज के तो ऐसे वीडियो से लगी तो प्लीज सब्सक्राइब करना, फिर लाइक भी करना है। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है वीडियो को शेयर कीजिए, शेयर जो मेरे चैनल को सपोर्ट करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू स्केट। Yeah.